और अब बात करते हैं हायर सेकेंडरी के टॉपर छात्र अनुज त्यागी की। जन्म के एक महीने बाद पिता का सिर से साया उठ गया। उनकी मां ने मां होने के साथ पिता का फर्ज भी अदा किया। जब वे भिंड आए तो विद्यावती स्कूल में दाखिला लिया। माँ हर रोज हौसला बढ़ाती थी, कुछ अच्छा करने का है। माँ की सीख से ही उनकी पढ़ाई में रुचि जागी। दसवीं में अच्छे अंकों से पास हुआ था तो स्कूल ने उन्हें अपना होनहार छात्र माना और स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। कोरोना काल में स्कूल की ओर से लैपटॉप और मोबाइल गिफ्ट दिया गया, जिससे स्कूल बंद होने पर ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई जारी रख सका था। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे माँ का आशीर्वाद और स्कूल प्रबंधन की अनुकंपा को माना है। ये कहना है हायर सेकेंडरी में CBSE के टॉपर रहने वाले छात्र अनुज त्यागी का। अनुज ने विद्यावती हायर सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स से 12वीं की पढ़ाई करके उत्कृष्ट अंक हासिल किए हैं। अनुज त्यागी ने हायर सेकेंडरी स्कूल में 96.6% अंक हासिल करके जिले भर में नाम रोशन किया है। छात्र अनुज का कहना है कि गांव में खेती बाड़ी है, उसी से परिवार का खर्च चलता है। उनके बड़े भाई का IIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया है। तब से उनकी मां का सपना था कि वो भी IIT में प्रवेश लेकर अच्छा इंजीनियर बने। छात्र अनुज ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग या ट्यूटर की मदद ले सकें। बिना कोचिंग व ट्यूटर के ही तैयारी की है। वे नियमित स्कूल जाते थे तथा स्कूल में शिक्षकों द्वारा जो सिखाया जाता था उसी की तैयारी घर में करते थे। हर रोज नियमित 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। माँ हाउसवाइफ हैं, वे स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही पढ़ाई करके आगे बढ़े। छात्र का कहना है कि उनकी परेशानी को स्कूल ने समझा और उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि इस जमाने में कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने उनकी मदद की है, वे बहुत आभारी हैं। जन्म के बाद जब मेरे पिता का साया उठ गया था मेरे सर से, तो मेरी माँ ने ही सारा भार उठाया। उन्होंने मुझसे कहा, सिर्फ बेटा तुम पढ़ाई करो और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी जब पढ़ाई में रुचि जागी तो मैंने पढ़ने का मेरे अंदर और हौसला आया, और इस हौसले की जिम्मेदार सिर्फ मेरी माँ ही है। फिर मैंने विद्यावती पब्लिक सेंट्रल स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैं 9th से 12th तक फ्री पढ़ता रहा, और फिर बाद में जब कोरोना आया तो उन्होंने मुझे लैपटॉप और मोबाइल गिफ्ट किया, जिससे मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कर सकूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर हौसले बुलंद हों तो इंसान सब कुछ कर सकता है। आपने ये जो आपके स्कूल वालों ने आपकी जो सहायता की है, आपको उनको किन शब्दों में धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि इस ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई अपने फ़ायदे के बिना कोई किसी का भला कर सकता है। मेरे स्कूल वालों ने बिना अपनी सोचे मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर तरह से मदद की और फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आगे भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अपने भविष्य में अपनी माँ के अनुसार मैं IIT बनना चाहता हूँ और IIT कानपुर में एडमिशन लेना चाहता हूँ।